हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिशन। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, जिसका सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम देखेंगे, क्योंकि चार्ट पैटर्न पूरा जो ओवरऑल देखना चाहिए यहाँ पे मंथली वीकली डेली टाइम फ्रेम पे। शेयर का नाम है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड। ये शेयर का जो प्राइस है अभी 425 रुपए के यहाँ पर है अभी। इसमें देखो, एक चार्ट पैटर्न में काफी अच्छा लग रहा है, प्रॉपर वे में अच्छा चल रहा था मोमेंटम। फिर एक प्राइस वाइज करेक्शन लिया यहाँ पे, धीरे करते करते एक बेस बनाया। ये मंथली कैंडल है, तो मंथली की कैंडल है, 5 महीने यहाँ पे इसने एक प्रॉपर बेस बनाया। फिर उस बेस के लेवल को, जो हाई था यहाँ पे, उस लेवल को ब्रेक करके इस मंथ में इसने इसके ऊपर सस्टेन भी कर रहा है यहाँ पे, और एक अच्छी क्लोजिंग देने की यहाँ पे ट्राई कर रहा है इसमें। और क्लोजिंग भी देखो, मतलब अभी जो डेली की क्लोजिंग बन रही है, मतलब बिल्कुल इस मंथली कैंडल की बिल्कुल अपने हाई के आसपास बन रही है यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज हमें यहाँ पे देखने की, और अभी यहाँ पे किस जगह पर क्लोजिंग अच्छी आएगी यहाँ पे, तो वो हमारे लिए देखने का है। मंथली देखो अभी क्या ना, अगर ये इस जगह का हाई है यहाँ पे 400 रुपए का जो लेवल है यहाँ पे, ठीक है, इस जगह के ऊपर अगर इसने यहाँ पे सस्टेन कर जाता है और क्लोजिंग देता है यहाँ पे, तो ये मंथली कैंडल के हिसाब से यहाँ पे अच्छा क्वालिटी हो जाएगा। इसने अटेम्प्ट तो करा इस मंथ में, यहाँ पे हाई भी लगाया नया 438.50 का, 438 का यहाँ पे देखना इसे क्या आएगा। 438 रुपए का हाई भी लगाया इसने यहाँ पे, पर अभी जो है ना, अभी सिर्फ उसके प्रीवियस जो हाई था उसके नीचे यहाँ पे अभी क्लोजिंग दे रहा है। तो मंथली पे अभी 3-4 दिन में सेटल हो जाएगी चीजें, सब पता पड़ जाएगा क्लियर। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हो। वीकली में देखो, आज वीक स्टार्ट हुआ है, आज 7% का अच्छा खासा इसने मोमेंटम दिया है। इसने आज ही अटेम्प्ट करा था, मतलब देखा है तो आज इसने अटेम्प्ट करा। पर नॉर्मल सी बात है, देखो आज दिन भर में इतना अच्छा मोमेंटम आता तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आना भी नॉर्मल सी बात है। पर कल अगर ये इसके ऊपर निकल गया, सस्टेन भी रहता है इस लेवल के ऊपर यहाँ पे, डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें यहाँ पे सस्टेन भी रहता है यहाँ पे 430 के ऊपर, तो फिर ये काफी अच्छा पॉजिटिव हो जाएगा पैटर्न। अब इसको डेली टाइम फ्रेम पर अगर हम यहाँ पे देखें, इसमें सपोर्ट लेवल अगर सब चीजें देखें, इसका एक तो पैटर्न देखो कितना अच्छा चल रहा है। पहले गिर रहा था तब भी प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से चला, ठीक है। अब बढ़ रहा है मान लो, तो बढ़ रहा है भी अच्छे प्रॉपर पैटर्न के हिसाब से बढ़ता है। फिर एक प्राइस करेक्शन देता है, फिर थोड़ा सा डिप लेता है मोमेंटम, फिर चलता है, फिर डिप लेता है, फिर चलता है, हल्का फुल्का रेस्ट करता है, फिर चलता है। तो अभी इसने अच्छे खासा मोमेंटम चल के वापस से एक अच्छी तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। इनकेस ये हो जाए कि बाय चांस आपसे मिस हो जाए शेयर, कभी आप आगे मतलब कुछ दिनों बाद इस वीडियो को देखो मान लो, तो क्या करना कि इस शेयर का थोड़ा सा प्राइस वाइज करेक्शन आने का वेट करना। ऐसे नहीं कि मतलब भक्ति गाड़ी में जबरदस्ती चढ़ने की वाली गलती मत करना, क्योंकि ये शेयर प्रॉपर वे में आपको करेक्शन का मौका भी देगा, प्रॉपर एंट्री का मौका भी देगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी उस चीज में। अब अगर आप यहाँ पे हमें सपोर्ट ना देखना, मेन अगर मेन सपोर्ट देखें तो ये जगह के आसपास सपोर्ट अच्छा लेवल है यहाँ पे 380 के आसपास। उसके बाद जो सपोर्ट लेवल आता है वो आएगा यहाँ पे इस जगह के आसपास 360 यहाँ पे, ये लेवल सारे सपोर्ट के लेवल हो जाएंगे यहाँ पे इसमें। तो इनकेस अगर इस जगह के आसपास आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे सपोर्ट की तरह इनको देख सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। और ऊपर की तरफ रिजेक्शन क्या है, रिजेक्शन कुछ भी नहीं एक्चुअली में देखा है, तो 430 रुपये का लेवल है यहाँ पे रिजेक्शन का। और अगर इसके ऊपर सस्टेन कर गया, इसने आज का हाई ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे चीजें पॉजिटिव हो जाएगी इसके लिए अभी शेयर के लिए यहाँ पे, क्योंकि ठीक है देखो चल पैटर्न इसका ओवरऑल अगर देखा जाए तो अपने ऑल टाइम हाई के वहीं चल रही है, मतलब ऐसे शेयर में कोई दिक्कत नहीं है। और इस लेवल को अगर इसने ब्रेक करा तो ऊपर की तरफ इसकी रिजेक्शन भी यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऑल टाइम हाई के बाद फिर कितना भी मोमेंटम दे वो शेयर के ऊपर डिपेंड करता है इसमें, साथ में वॉल्यूम के लिए। अब देखो पहले जब करेक्शन आया तो 37% 40% अप्रोक्स का यहाँ पे गिरावट आई थी, ठीक है। तो मौका देता शेयर अगर वापस से यहाँ पे। अब एक चीज इसमें देख लेते हैं, वॉल्यूम वगैरह भी देख लेते हैं साथ में। तो इसमें देखो वॉल्यूम का स्पाइक अच्छा है, 3-4 दिन से पहले यहाँ पे वॉल्यूम आई थी, फिर अभी फ्राइडे को वॉल्यूम थी ठीक ठाक थी, वो तो नॉर्मल सी थी, यहाँ पे वॉल्यूम अच्छी आई है यहाँ पे। इसमें डिविडेंड भी आने वाला है इसका यहाँ पे 50 पैसे का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऐसे जैसे 6 अगस्त को यहाँ पे एक अच्छी वॉल्यूम थी, अब उस वॉल्यूम के बाद क्या हुआ, थोड़ा बहुत चला, लेकिन फिर धीरे करते करते इसने थोड़ा बहुत प्राइस एक्शन मतलब प्राइस वाइज करेक्शन भी किया। तो कई बार क्या ना, बहुत ज्यादा तेजी वॉल्यूम आई थी ना वॉल्यूम में, तो उसके बाद क्या 2-4 दिन के लिए वो उसी रेंज में, मतलब इसी रेंज में यहाँ पे शेयर चलता रहेगा, फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट देता है। तो इस तरीके मोमेंटम भी साथ में देखने को मिलता है। तो वॉल्यूम अगर बहुत ज्यादा जाए एकदम से तब भी दिक्कत करती है इसमें, ठीक है, तो वो ब्रेक लग जाता है। अब अगर कल ये इसी रेंज के अंदर रह गया यहाँ पे, तो फिर इसका जो इस कैंडल का हाई और लो है, इसी रेंज को यहाँ पे हाई लो के साथ करना, और इसी रेंज के बीच में यहाँ पे घूम सकता है। और जब भी इस लेवल का फिर ब्रेकआउट देगा 438 का, तभी यहाँ पे कुछ प्लान करना पॉजिटिव साइड में, वरना तो ब्रेक आराम से वेट एंड वॉच करना जब तक इस कैंडल के यहाँ पे इनसाइड कैंडल के अंदर उसमें रहता रहता है, ठीक है। अगर कुछ भी यहाँ पे अपडेट होता है नेक्स्ट यहाँ पे, तो ब्रेक करता है यहाँ पे, तो मैं कल वापस से वीडियो बना दूंगा 1-2 दिन में जब भी लगेगा इस कंडीशन। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। इसमें यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी डिसीजन लो अपने फाइनेंशियल एडवाइस डिस्कस करना, उसके बाद यहाँ पे कोई डिसीजन लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।